छतरपुर जिला के भगवा थाना के घुवारा में अवैध संबंध के चलते हुए विवाद में एक 16 वर्षीय किशोर ने 55 साल की अधेड़ दुकानदार की हाथ पैर बांध कर सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक परमलाल साहू घुवारा बस स्टैंड पर समोसा मिष्ठान की दुकान चलाता था। शनिवार की रात वह आरोपी किशोर को मोटरसाइकिल पर बैठा कर बछड़ी नदी के पास बने स्टाफ डेम ले गया। वहाँ दोनों के बीच विवाद हुआ। मृतक शराब के नशे में धुत था। आरोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर पटक दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया और बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी ने उसके ही लोवर से दोनों पैर बांधे, लोवर के नाड़ा से दोनों हाथ बांधे और फिर स्टाफ डेम में धकेल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक की मोटरसाइकिल लेकर घटना स्थल से बड़ा गाँव धसान जिला टीकमगढ़ की ओर निकल गया और अमरपुर के पास सड़क किनारे खेत में बने खंडहर में मोटरसाइकिल को छुपा दिया। इसके बाद रात्रि 12 बजे घर आ गया था। उप थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने जब लोगों से पूछताछ की तो पता लगा एक नाबालिग रात करीब 11 बजे टीकमगढ़ रोड पर बछरावनी के पास चंदेल ढाबा पर मृतक की मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल लेने गया था। बछरावनी के रोशन सिंह घोष ने बताया कि पेट्रोल नहीं मिलने पर वह बड़ा गांव धसान की ओर गया था। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो उसने सच बता दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक गुलगंज का रहने वाला था। वह घुवारा में दुकान चलाता था। एक माह पहले वह उसे गुलगंज साथ ले गया, वहां पर शराब का सेवन किया और उसे पिलाई। इसके बाद उसके साथ बुरा काम किया। मृतक उसे स्टाफ डेम पर ले जाकर आए दिन संबंध बनाता रहा। घटना के समय दोनों ने शराब का सेवन किया, संबंध बनाए, इसके बाद विवाद हुआ था। घटना स्थल पर मृतक निर्वस्त्र हालत में पड़ा मिला। उसके कपड़े अलग ही थे। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विराट 24 न्यूज के छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।